नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। इंदौर में पिता की जान बचाने के लिए लीवर दान करने की नाबालिग बेटी की कोशिश ने रंग ला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने नाबालिग बेटी को अपने पिता को लीवर डोनेट करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी सावधानी के साथ जल्द से जल्द यह सर्जरी की जाए। इसके पहले MGM मेडिकल कॉलेज बोर्ड के बाद अब राज्य शासन ने भी नाबालिग को लीवर देने की अनुमति दे दी है। राजगढ़ जिले के पचौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां अस्पताल परिसर में गाय घूमते नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये पशुओं का अस्पताल है, जो कि डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही को दर्शाता है। बता दें कि अस्पताल में कई बार गायों का झुंड परिसर के अंदर दिखाई देता है, जहाँ एक बार फिर डिलीवरी वार्ड के गेट के अंदर गाय दिखाई थी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार और रविवार को पहली बार VIP श्रद्धालुओं को भस्म आरती दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रोटोकॉल के तहत आरक्षित 700 सीटें सामान्य दर्शनार्थियों को आवंटित की जाएगी। इस व्यवस्था से देश भर से आने वाले भक्तों को भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन का मौका मिलेगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में ही होगा। इन दिनों देश भर में कथावाचक पंडित मिश्रा के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं, जहां उज्जैन के साधु संतों, ब्राह्मण समाज और अन्य संगठनों ने खाक चौक स्थित एक गार्डन में बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा का कड़ा विरोध किया और उन्हें चेतावनी दी है कि वे राधा रानी के मंदिर में शाश्वत दंडवत कर नाक रगड़ कर माफी मांगे, अन्यथा उन्हें उज्जैन में नहीं घुसने दिया जाएगा। इंदौर के मल्हारगंज इलाके के अंतिम चौराहे पर गणेश मतनकर नाम के व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली उसके पैर में लगी है, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार युवक अपने दोस्तों के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा था, इस दौरान हमलावरों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर मामले की जाँच में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आप नेता व सांसद संजय सिंह का राज्यसभा का निलंबन खत्म हो गया है। इसके लिए आप नेता संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया है। सांसद संजय सिंह को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से अमर्यादित व्यवहार की वजह से निलंबित कर दिया था। मध्य प्रदेश में बुधवार को मौसम के दो रंग दिखे हैं। विदिशा के साथ ग्वालियर में 1.8 इंच और धार में 1.25 इंच पानी गिर गया है, तो वहीं यूपी से लगी निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पारा 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया। इसके अलावा छतरपुर के बीजावर, दमोह और ग्वालियर में भी तापमान 44 डिग्री के पार रहा। वहीं आगामी 24 घंटे में तेज आंधी के साथ भोपाल समेत गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी और विदिशा में भारी बारिश हो सकती है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का रूफ टॉप मामूली बारिश में ही धराशाही हो गया है। रूफ का हिस्सा गिरने से नीचे खड़ी एक होंडा सिटी कार चकनाचूर हो गई और उसमें सवार कार चालक बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि कार जबलपुर के ही एक इनकम टैक्स अधिकारी की है, जो एयरपोर्ट पहुंचे थे। गनीमत यह रही कि जब रूफ का हिस्सा कार पर गिरा, तब कार चालक उससे दूर जा चुका था। घटना की जानकारी लगते ही सुरक्षा अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंचे। 25 जून को देश में इमरजेंसी लगे 49 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष ने बुधवार को संसद में इमरजेंसी पर ऐसा दाव चला कि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। सदन में जब स्पीकर ने आपातकाल निंदा प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस की ओर से इसका पुरजोर विरोध हुआ। कांग्रेस सांसद खड़े होकर विरोध करते और नारे लगाते दिखे, लेकिन बाकी विपक्षी दल इससे अलग रहे। बुधवार को ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। यहां कांग्रेस विधायक के BJP में शामिल होने और इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि अमरवाड़ा में बुधवार को 7 उम्मीदवारों ने चुनाव से नाम वापस ले लिया। इसके बाद 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। उपचुनाव 10 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।